हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेमेस्टर सेकंड के जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका सब्जेक्ट जो है भारत का इतिहास जो उन्होंने लिया है, और इसमें हम लोग जो है पहले ही ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं और मैं आपको बहुत सारी चीजों के बारे में डिस्कस कर चुका हूं। तो आज की जो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 6 की वीडियो बना दी है। आज जो यूनिट नंबर होने वाली है वो आपकी यूनिट नंबर 5। देखो कल आपको यानी कि संडे को आपका एग्जाम है, और संडे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत छोटी छोटी वीडियो 20-20 मिनट की वीडियो है जिसमें आपको पूरे 20-20 नंबर के क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो चलिए यूनिट नंबर 5 स्टार्ट कर लेते हैं, पेज नंबर 74। तो हम लोग क्या करते हैं, पेज नंबर 74 पर आ जाते हैं, और पेज नंबर 74 पर आने के बाद हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये पेज नंबर 74। चलिए, तो देखिए जैसे कि मैंने आपको बताया था यूनिट नंबर हमारी जो यहाँ पर 5 होने वाली है, इस 5 यूनिट के अंदर हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले हम इसका कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, यूनिट नंबर 5 जो है आपकी, इसके अंदर उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव, यानी कि जो राजपूत वर्ड है, जो राजपूत ये नाम है, इसका उद्भव कब हुआ और सामाजिक और आर्थिक आधार क्या था। बहुत इजी है और आराम से आपको समझ भी आ जाएगा राजपूत शब्द की परिभाषा क्या थी, राजपूत शब्द आया कहां से है, राजपूत होते कौन है। तो ये सब चीजें आपको यहाँ पर इस वाली वीडियो के अंदर समझ में आने वाली है। और अगर आपका 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है तो आपको सिर्फ टॉपिक समझने और क्वेश्चन कुछ भी आए आपको यही जब लिख देना है, जिससे कि आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। तो इसका जो इंट्रो है, इसकी जो प्रस्तावना है, जिसमें बताया गया है कि जो भारतीय इतिहास की जब स्टार्टिंग हुई थी तो उसमें मध्यकालीन काल के कई क्षेत्रों में ना परिवर्तन के संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल रहा है। बताया गया कि भारतीय इतिहास की स्टार्टिंग के अंदर और मध्यकालीन काल के अंदर बहुत सारे परिवर्तन हुए, और इस इतिहासकार ने एक संक्रमणकालीन चरण में राज्य के सामंती चरित्र पर भी बहस की है, और जिससे कि गुर्जर, प्रतिहार, पाल, राष्ट्रकुल और चोल जैसे उभरते हुए राज्यों का उद्भव हुआ। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से जो महत्वपूर्ण है वो क्षेत्रीय कबीले के रूप में एक राजपूतों का उदय है, जो हम इस पूरी वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं कि राजपूतों का उदय कैसे हुआ था। तो राजपूतों ने भारतीय इतिहास को विशेष रूप से पश्चिमी और मध्य भारत को आकार देने में भूमिका निभाई है। बताया गया है कि जो राजपूत वर्ड है, राजपूत जो लोग थे, इन्होंने भारतीय इतिहास के अंदर पश्चिमी और मध्यकालीन जो भारत था, मध्य भारत जो था, इनको आकार देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, और प्रारंभिक और उत्तर मध्यकालीन भारतीय राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण तत्व यहाँ पर निकलकर सामने आता है। अब जो राजपूत शब्द है, ठीक है, अगर हम बात करें कि भाई जो राजपूत जो शब्द है, जो इसका अर्थ है, वो इसका एक अर्थ सिर्फ एक परिवार या कबीले से नहीं है, बल्कि एक नए योद्धा वर्ग के समूह में है। कि जैसे ही ये वर्ड सबके सामने आएगा, एक वर्ड आएगा राजपूत, है ना, जैसे ये शब्द सामने आएगा तो इसका मतलब है कि पूरा का पूरा एक समूह है, एक वर्ग है, जो किसका वर्ग है, यानी कि योद्धाओं का वर्ग है ना, योद्धा वर्ग है पूरा का पूरा। तो यहां तक आपको समझ में आ गया, आगे चलते हैं। अब इसके साक्ष्य की अगर हम बात करें, इसके एविडेंस जो मिले हैं, कैसे पता चला है कि कुछ सिक्के मिले, ठीक है, और वो बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे राजपूतों को उत्तर भारत के अन्य शासकों परिवारों से जोड़ते हैं, सिक्कों से पता चला। अब कई ऐसे अभिलेखीय साक्ष्य भी हैं, कुछ ऐसे भी साक्ष्य हैं जो राजपूतों की वंशावली और जो है कलानुक्रमिक विवरण देते हैं, और भोज के ग्वालियर शिलालेख में कन्नौज के प्रतिहारों का उल्लेख रामायण के लक्ष्मण के वंशज के रूप में दिया गया है। अब बताया गया जो प्रतिहार जो थे कन्नौज के, वो जो है रामायण की जो लक्ष्मण है, उनके लक्ष्मण जो थे उनके वंशज के रूप में उनका वर्णन है। वही शिलालेख चहामानों को गुवाक के साथ में जोड़ता है और दर्शाता है कि जो सूर्य वंश है, यानी कि जो सौर वंश है, ये उससे संबंधित है ना। ऐसे आगे देखा गया कि बिजरोलिया जो शिलालेख है वो चहामान की वंशावली का पता और सुझाव देता है। वही सामंत जो थे वो बाद में नृप यानी कि राजा बन गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पर इसके साक्ष्य यहाँ पर मिलते हैं, सिक्कों से और जितने भी जो अभिलेख है इनसे। अलग अलग रूप में अगर हम देखें साक्ष्यों के, साहित्यों के रूप में, तो यहाँ पर वचन, सत्य और रासोख्यात और वंशावली राजपूतों के इतिहास के पुनर्निर्माण में मदद करते हैं। ख्यात शब्द का शाब्दिक अर्थ यहाँ पर जो है अतीत का लेखन है। ख्यात जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, अतीत का लेखन, यानी कि जो भी पास्ट है उसके बारे में लिखना क्या कहलाएगा, ख्यात कहलाएगा, है ना। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है कि जो एक चारण परंपरा होती है जिसको हम बार्ड बोलते हैं, इसके रूप में जाने वाले एक लेखक को चारण साहित्य के रूप में जाना जाता है, ठीक है। साहित्य का ये एक रूप जो काव्य के रूप में लिखा गया है, जिसमें लेखक द्वारा राजा की क्या की जाती है, एप्रिसिएशन यानी कि प्रशंसा की जाती है, तारीफ की जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें यहाँ पर, तो अब पॉइंट आता है कि भाई राजपूत शब्द जो है इसकी परिभाषा दीजिए, डिफाइन कीजिए इसको आप पर्टिकुलर तरीके से। तो देखेंगे तो राजपूत शब्द जो है ना वो एक शासक और सैन्य वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है,
ऊपर भी हमने योद्धा के बारे में पढ़ा ना, तो एक शासक वर्ग हो, सैन्य वर्ग हो, एक योद्धा हो, उसको प्रतिनिधित्व कौन करता है? ये वर्ड राजपूत जो है इस चीज को प्रतिनिधित्व करता है, और मूल रूप से ये क्षत्रिय था। ये जो शब्द है राजपूत, राजपूत शब्द जो है वो क्या है, मूल रूप से क्षत्रिय शब्द है, क्योंकि क्षत्रिय का काम क्या होता है, युद्ध करना, लड़ाई करना। तो वही यहाँ पर दिखाया गया कि राजपूत शब्द जो है अपने आप में एक योद्धा के नाम, योद्धा के रूप में निकलकर सामने आते हैं। इस शब्द का सबसे पहले उपयोग जो है विशेष योद्धा वर्ग के लिए किया गया, और 7वीं से 10वीं शताब्दी के बीच में जो है बहुत ज्यादा तेजी से उभर कर सामने आने लगा, और शासक परिवारों पर लागू नहीं था। ये बताया गया कि सभी नए उभरे हुए शासक परिवारों पर ये लागू नहीं था, परंतु उन लोगों तक की सीमित था जो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से के अंदर उत्पन्न हुए, और उन्होंने अगली कुछ शताब्दियों में धीरे धीरे अपने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आधार को मजबूत कर लिया। और राजपूत शब्द जो है राजपुत्र यानी कि राजा का पुत्र शब्द का एक भ्रष्ट रूप प्रतीत होता है, यानी कि जो राजपूत है वो कौन है, वो राजा के पुत्र है, है ना। तो इस तरीके से इस शब्द की जो है विद्युत उत्पत्ति यहाँ पर हुई है, और इसकी परिभाषा इस तरीके से यहाँ पर देखने को मिलती है। उसके बाद में वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो यहाँ पर दिखाया गया है अभी कि प्रारंभिक अध्ययन राजपूतों को एक मिश्रित और अशुद्ध जाति के रूप में मानते थे। अब जो प्रारंभिक अध्ययन है, स्टार्टिंग का जितनी भी स्टडी हुई है, उसमें राजपूतों को क्या बोला गया है, एक मिश्रित और अशुद्ध जाति के रूप में है, ठीक है। और जो विभिन्न जनजातियों या जनजातियों के समामेलन का परिणाम है, ये जो राजपूत शब्द निकल कर आया, राजपूत जो वर्ड है ये कौन है, ये जो है अलग अलग जितनी भी मिश्रित जातियां हैं, अशुद्ध जातियां हैं, उनसे मिलने के बाद में निकला है ना। और वहीं अभी जो बीडी चपोध्याय है उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला मध्यकालीन काल तक राजपूत शब्द क्षत्रिय शब्द से अधिक शासक की स्थिति का प्रतीक था, कि जो राजपूत शब्द है वो क्षत्रिय शब्द के से भी ज्यादा शासक की स्थिति के लिए प्रतीक था, यानी कि शासक अगर हम बात करें तो वहां पर जो है राजपूत शब्द का ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है क्षत्रिय के बजाय। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पर स्वदेशी मूल सिद्धांत, तो अग्निकुल सिद्धांत अग्नि से राजपूतों की उत्पत्ति बताता है। अब अग्निकुल सिद्धांत बताया गया कि राजपूतों की उत्पत्ति किससे हुई है, अग्नि से हुई है, है ना। जैसे आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म के अंदर चार वर्ण बताए गए हैं, तो चार वर्णों में बताया गया ना कि मस्तिष्क से और मुख से, फिर उसके अंदर बाजुओं से, जंघिया से, इन जांग से, यानी कि यहाँ पे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, शूद्र है, वैश्य है। ऐसे ही बताया गया कि अग्निकुल सिद्धांत बताता है कि अग्नि से कौन आया, राजपूत आए हैं। इन सिद्धांतों को समझने के सर्वोत्तम तरीके में से एक जो है चंद्रबरदाई के काम के माध्यम से है, यानी कि चंद्रबरदाई के नाम काम के माध्यम से दिखाया गया, जिसमें अपने पृथ्वीराज राज राहों से चौहान का अग्नि जन्म कहा जाता था और अग्निकुल से संबंधित था। तो कहने का मतलब एक कहानी दी गई है कि जब विश्वामित्र, गौतम, अगस्त्य और अन्य ऋषि आबू पर्वत पर जो है महान यज्ञ कर रहे थे, तो यादराष्ट्रों से परेशान थे, और इन राष्ट्रों को दंडित करने के लिए वशिष्ठ ने 3 योद्धाओं को यज्ञ अंतिम कुंड में डाला था, और वहीं से क्या निकले थे, वहीं से प्रतिहार, चालुक्य और परमार निकले थे। और लेकिन जब प्रयास व्यर्थ हो गया तो वशिष्ठ ने फिर से पवित्र यज्ञ किया और चौहान यानी कि चाहमान नाम के चौथे योद्धा का भी निर्माण किया, है ना। तो इसी तरीके से जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, ये जो स्वदेशी मूलक मूल सिद्धांत के रूप में बताया गया है। यहाँ तक आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब रामायण में भी एक कहानी है, उसमें बताया गया है कि भाई जो ऋषि वशिष्ठ थे, इन्होंने अपनी इच्छा पूरी करने के लिए कामधेनु गाय यानी कि जो गाय को बोलते हैं, उसको वापस पाने के लिए जो है विश्वामित्र के खिलाफ लड़ने के लिए कुछ योद्धा बनाए। अब उन्हीं योद्धाओं के अंतर्गत जो है बताया गया कि जो है परमारों को इसी तरह के एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया गया था, और ऐसे ही जो है राजपूतों का भी उदय हुआ था, ठीक है। तो यहाँ तक आप समझ पा रहे हो चीजों को, आगे चलते हैं। उसके बाद तो हमें पता चलता है यहाँ पर विदेशी मूल सिद्धांत। अब विदेशी मूल सिद्धांत में पुरातत्व सर्वेक्षण है, इस रिपोर्ट के अंदर बताया गया है कि अलेक्जेंडर जो है कनिंगम कहते हैं कि राजपूत कुषाणों के वंशज थे ये लोग। अब जो इन्होंने क्या बोल दिया कि जो राजपूत थे ना, मतलब विदेशी जो मूल सिद्धांत थे, उन्होंने क्या बोला कि राजपूत जो है वो कुषाणों के वंशज थे। और जब 19वीं सदी चल रही थी उस समय पहली बार कर्नल जेम्स डॉड ने अपने एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में राजपूताना के इतिहास और राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में भी लिखा था। अब वो उन्होंने वहां पर अपने उसमें लिखा है, टॉड के अनुसार ये सिद्धांत बताता है कि विदेशी जनजातियां आई और समय के साथ खुद को भारतीय बनाया, और उसमें से जो सबसे श्रेष्ठ था वो जो है राजपूत शासक बन गए, उन्होंने ये बताया। तो सबका अपना अपना अलग अलग कॉन्सेप्ट है, सबने अपने अपने तरीके से बताया है। अब जो अगर हम एट प्रेजेंट अगर हम बात करें परिप्रेक्ष्य की, प्रकार की, नजरिए की, दृष्टिकोण की, उपागम की, ये सब एक ही वर्ड होते हैं, इनकी बात करें तो राजपूत की उत्पत्ति के बारे में जो है हालिया दृष्टिकोण अग्निकुंड और सौर या चंद्र की अवधारणा से परे है। वो बताते हैं कि उसमें से ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है कि पिछली अवधारणाओं को पूरी तरह से खारिज कर दिया गया, लेकिन एक नई दृष्टिकोण का उपयोग किया गया है और अवधारणाओं का एक अधिक विश्लेषण भी यहाँ पर किया गया है, ठीक है, हाल ही के रूप में अगर हम देखें तो। उसके बाद में यहाँ पर देखो हमारे को जो जितनी चीजें भी मैंने आपको बताई है उसमें फिर आपका आता है उत्तरी भारत के अंदर, है ना, उत्तरी भारत में राजपूत राज्यों का उद्भव।
अब उत्तरी भारत में कैसे हुआ कि भाई महमूद गजनी की मृत्यु हुई, उसके बाद में जो है 12वीं शताब्दी के अंत में मोहम्मद गौरी की तराइन युद्ध तक की अवधि, और उसमें उत्तर भारत में कोई बड़ा साम्राज्य नहीं था और बहुत छोटे छोटे राजपूत राज्य आपसी युद्ध और ईर्ष्या से ग्रसित थे। अब उसके बाद में जो है यहाँ पर बढ़ाया गया है कि गहड़वालों की राजनीति राजधानी जो कन्नौज थी, और अब कन्नौजों का पुराना वैभव जो है समाप्त हो गया। उसके बाद में शक्ति का दूसरा केंद्र क्या बन गया, वाराणसी बन गया। उन्होंने जो है बंगाल के पाल दिल्ली के तोमर के साथ की एक लड़ाई की और एक राजवंश चौहान राजस्थान में शक्तिशाली हो गया, और चौहान लगातार गुजरात के सोलंकी चालुक्य और मालवा के परमारों के साथ में लड़ गए। तो ये सब चीजें कहाँ पे है, ये सब चीजें इसके अंतर्गत बताई गई है। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हम इसका सिर्फ सारांश पढ़ेंगे, और सारांश पढ़ने के बाद में हमारा ये लेसन यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूतों के नए योद्धा के वर्ग के रूप में उत्पत्ति हुई है। आपने ऊपर पढ़ ही लिया कि कहाँ कहाँ से राज्य जो है राजपूत शब्द आया है ना, कहीं किसी ने अपने तरीके से बोला, किसी ने अपने तरीके से बोला। तो आई होप आपको जो है चैप्टर का ओवरव्यू समझ में आ चुका होगा, और आपको कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, गुड लक, बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट एंड फॉरगेट योर रेस्ट। और जो भी अगर आपको वन शॉट वीडियो चाहिए और भी बाकी जो भी चाहिए, आप हमारे को जो है कमेंट बॉक्स के अंदर रिक्वेस्ट या फिर एक मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, जिससे कि मुझे जो है पता चल जाएगा कि आप लोगों को जो है वन शॉट वीडियो चाहिए, तो मैं वन शॉट वीडियो बना दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।